महाराष्ट्र में रहने वाले पंकज का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में चौकीदार थे और माँ घर का कामकाज देखती थी। पंकज की एक छोटी बहन भी थी नीतू। एक रोज पंकज अपनी वही पुरानी शर्ट पहनकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में कॉलेज पहुँच कर उसकी दोस्त अनु जोर से उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या यार पंकज, तुझे कहा था ना कि असाइनमेंट की फोटो खींच कर मुझे सेंड कर दियो। दो दिन हो गए, कब करेगा तू सेंड? अरे वो छोड़, मैं असाइनमेंट लाया हूँ, तू वही कॉपी कर ले। तू भी ना पंकज अपने फोन। ओ हाँ यार, फोन से याद आया, तुझे पता है घर पर मेरी भूख हड़ताल ना काम आ गई। पापा ने नया आईफोन 14 ऑर्डर कर दिया। सच में? मतलब ये नाटक मैं करता तो मेरे घर वाले कहते अच्छा है, मत खा, कम से कम घर का राशन तो बचेगा। तो गरीब आदमी ना गरीब वाली बातें ही करेगा। अब जब आएगा ना मेरा आईफोन 14 तो उस कामिया की बच्ची को दिखाऊंगी। तो आईफोन 14 दिखावे के लिए ही तो ले रही है या जरूरत के लिए? जरूरत तो किसी भी फोन से पूरी हो सकती है, आईफोन लेकर तो लोग शो ऑफ ही करते हैं। चल अभी दे असाइनमेंट और क्लास के लिए चल। तभी दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। शाम के समय क्लास खत्म होते ही पंकज घर जाने लगता है, लेकिन अनु के बहुत जिद करने पर उसके साथ कुछ बुक्स लेने के लिए मार्केट निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे घर लौटने में देरी हो जाती है। तो उसके घर वालों को चिंता होने लगती है। देर रात जब वो घर आता है तो देखता है कि सारे घर वाले जाग रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा कितना देर हो गया तेरे को आने में, और तू फोन काहे को नहीं लेकर जाता? आई मैं ठीक हूँ, और फिर एक ही तो कीपैड फोन है, उसे भी मैं लेकर चला जाऊंगा तो घर में दिक्कत होगी ना। ये सारी दिक्कत हमारी गरीबी के कारण है, पैसों की तंगी के कारण ये गरीब बाप अपने जवान बेटे को एक फोन लाकर नहीं दे पा रहा है। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और वैसे भी फोन इतना भी जरूरी नहीं है। आई चलो खाना दो, मुझे भूख लगी है। ओ मैं अभी लाती हूँ, तू हाथ मुँह धो ले। कुछ देर में उसकी माँ आशा सभी के लिए खाना लगाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं, लेकिन पंकज अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ते हुए वो अचानक से बोल पड़ता है, ओहो आधे नोट्स तो अनु के फोन में ही है, मैंने प्रिंट भी नहीं निकलवाया उसका, अभी आगे का काम कैसे पूरा करूं? पंकज तू खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन आई सही कहती हैं कि फोन की जरूरत तो है, लेकिन अब तक नहीं लिया तो जब भी लूंगा आईफोन ही लूंगा, और उसके लिए खुद पैसे जोड़ूंगा। भैया उसके लिए तो किडनी बेचनी पड़ती है ना। नीतू तू अभी तक जाग रही है, ऊपर से मेरी सारी बातें भी सुन रही है, बदमाश। बताओ ना आप किडनी बेचोगे भैया? नहीं बहन तू सो जा, मैं भी सो रहा हूँ, और हाँ भूल जा जो जो मैंने बोला। इतना कहकर वो उसके सर पर थपके देते हुए उसे सुलाने लगता है। समय बीतता है। पंकज की परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बहन की शादियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पंकज के बाबा पंकज को फोन नहीं दिला सकते थे, और पंकज ने भी सोचा था कि वो पैसे जोड़कर आईफोन ही खरीदेगा। उधर कॉलेज में अनु अपना नया आईफोन 14 लाकर पंकज को दिखाते हुए कहती है, देख देख गौर से देख, मेरे पास भी अब आईफोन 14 है, वो भी बिना किडनी बेचे। ये आईफोन 14 है, दिखता तो कुछ खास नहीं है। अरे यार तुझे तो कुछ खास लगता ही कहाँ है, देख इसमें कितनी मस्त सेल्फी आती है। अच्छा इसमें बैक कैसे जाते हैं यार? बैक वो ये तो मुझे भी अभी तक नहीं पता। अरे यार अभी आगे आए गए हैं तो क्या ही पीछे जाना। ये तो देखने से इतना महंगा लग रहा है, मैंने आईफोन लेने का सोचा तो है, लेकिन क्या वो सोचा हुआ पूरा हो पाएगा? ये फोन सबसे पहले मैंने तुझे ही चलाने को दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा कितना मन है आईफोन लेने का। उसकी एक अच्छी दोस्त होने के नाते अनु जानती थी कि पंकज चाहते हुए भी आईफोन क्या एक स्मार्टफोन भी नहीं ले सकता था। पैसे जोड़ने के लिए पंकज ने कॉलेज के बाद एक जनरल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, बिना घर वालों को पता चले। एक रोज जब वो थका हारा घर आता है तो उसकी माँ तेज बुखार के कारण खाट पर पड़ी होती है। नीतू आई को क्या हुआ है? पता नहीं भैया, आई को बहुत बुखार है, मैंने काकी के घर से दवा लाकर भी दे दी लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ, बाबा भी अभी दवाई लेने ही गए हैं। बेटा तेरी आई ठीक है, तू थक गया होगा जा आराम कर। और भैया मैंने काकी के फोन से आपको कितने फोन किए, आपने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा उस कीपैड वाले फोन की आवाज कम है तो इसीलिए मुझे ढंग से सुनाई नहीं दी होगी। कुछ देर में उसके बाबा घर आते हैं और आशा को दवाई देते हैं, जिससे उसका बुखार थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके बाद से उसकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहने लगती है।
बीते समय के साथ पंकज आईफोन लेने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है और दुकान पर आईफोन के दाम पता करता है, जिसे सुनकर वो खुद से कहता है, लगता है मुझ गरीब का आईफोन आ ही नहीं पाएगा। इतने पैसे में तो बाबा हमारे कच्चे घर को ठीक करवा कर नया करवा सकते हैं, नहीं तो मेरी बहन की शादी हो सकती है। लेकिन अच्छा है, तभी तो महंगा है। पंकज की आईफोन लेने की चाहत उसका दाम पता लगने के बाद भी बनी हुई थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों की सलाह से नए आईफोन के जगह सेकंड हैंड आईफोन लेने की सोचता है। इधर एक रोज घर में काम करते हुए नीतू अपनी माँ से कहती है, आई आपको पता है भैया आईफोन लेना चाहते हैं। आई गो, पर वो तो बहुत महंगा होता है ना। हो आई, और फिर हम गरीब कितना भी पैसा जोड़े ना आईफोन नहीं खरीद सकते। गरीब जिंदगी ऐसी ही होती है। आई आप ठीक तो हो ना। हो, तेरी आई ठीक है, अब बुढ़ापे में तो तबीयत चढ़ती उतरती ही है। बोलते बोलते आशा जोर जोर से खांसने लगती है और अचानक बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर अपने भाई को फोन करने के लिए नीतू अपनी पड़ोसन की काकी के घर जाती है, लेकिन वहाँ भी ताला लगा हुआ था। नीतू को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और वो घर की तरफ दोबारा भागती है। तभी घर के बाहर उसे पंकज आता दिख जाता है। भैया भैया आई। रो क्यों रही है, क्या हुआ आई को? आई बेहोश हो गई। तभी पंकज जल्दी जल्दी में अपनी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी दवाइयाँ और हॉस्पिटल की फीस में ही पंकज की सारी जमा पूंजी लग जाती है। और दो दिन बाद उसकी माँ ठीक होकर घर आती है तो सभी घर वालों को पंकज के पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलता है, तो उसके माँ बाबा को बहुत बुरा लगता है। पैसों के खर्च होने के बाद पंकज आईफोन की उम्मीद छोड़ चुका था। ऐसे ही एक महीना बीतता है। एक रोज जब वो कॉलेज से जल्दी घर आता है तो नोट्स लेने के लिए जा रहा था, तो आशा उसे रोकते हुए कहती है, अब तेरे को नोट्स के वास्ते कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नोट्स खुद ही तेरे पास आएंगे। आई ये क्या बोल रही हो आप? तभी आशा उसके हाथ में एक नया स्मार्टफोन देकर कहती है, तेरी गरीब आई तेरे को आईफोन तो नहीं दे सकती, लेकिन ये देखकर तेरी मुश्किलें थोड़ी आसान तो कर सकती है। बेटा तेरी आई ने अपने सालों की बचत के पैसों से खरीदा है, संभाल कर इस्तेमाल करियो। ये स्मार्टफोन देखकर पंकज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आई आप बहुत अच्छी हो, और किसने कहा ये आईफोन नहीं है, ये फोन मेरी आई ने मुझे दिया है तो हुआ ना आईफोन, और मैं खुश हूँ कि मुझ गरीब का आईफोन औरों से बहुत अनोखा और कीमती है। इस तरह अपनी आई का दिया हुआ फोन ही उसके लिए आईफोन हो जाता है। तो दोस्तों, आईफोन हो या स्मार्टफोन, वो दिखावे से ज्यादा जरूरत के काम आए तो ही अच्छा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताना।